दोस्तों टीवी के संस्कारी बाबूजी कहे जाने वाले आलोक नाथ, जिसे आपने कई टीवी सीरियल और फिल्मों में देखा है, बड़े ही संस्कार झलकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो संस्कारी तभी तक हैं जब तक शराब गटक नहीं लेते हैं। ऐसा कहना है उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हिमानी शिवपुरी का, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में सिद्धार्थ करण जो है उनके साथ पॉडकास्ट किया, उसमें कहे कि ये तभी तक संस्कारी हैं जब तक रात के 8 नहीं बज जाते और 8 बजने के बाद ये शराब नहीं पी लेते, फिर इनके संस्कार जो हैं वो सामने झलकने लगते हैं कि ये कितने संस्कारी हैं। कहते कि एक बार हम यात्रा कर रहे थे कहीं फ्लाइट में, उस दौरान उन्होंने शराब पी फ्लाइट में, और उसके बाद जो उन्होंने वहां पर भौकाल मचाया था, जो चीजें की थी, जैसा कपिल शर्मा का हुआ था सुनील ग्रोवर के साथ मारपीट और गाली गलौज वाली, ऐसे ही ये इस मोड में आ गए थे, तब इनकी पत्नी ने कैसे कैसे इनको संभाला था, और शराब पीने के चलते ही संस्कारी बापू जो हैं बाबूजी, इनको एक बार फ्लाइट से उतार भी दिया गया था। हिमानी शिवपुरी ने इनके साथ कई फिल्मों में काम किया है, कई टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन संस्कारी बाबूजी जो हैं ये 8 बजे के बाद संस्कारी नहीं रहते हैं, फिर शराब पीने के बाद ये किसी और इंसान में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि कहना है कि रियल लाइफ में वो काफी प्रोफेशनल है, अच्छे इंसान है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।